हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रैप ट्वेंटी फोर सेवन दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कैलेंडर हिंदी में इसको पंचांग बोल देते हैं तो आज मैं आपका इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कवर करूँगा जिसके अंदर कैलेंडर चैप्टर के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है दोस्तों इस चैप्टर से कई सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं कही ना कहीं ये कैलेंडर चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं कैलेंडर पार्ट फर्स्ट तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आज के सेशन में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे तो दोस्तों आज के सेशन में जो कवर करेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलेंडर दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन दे देते हैं और उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है सेकंड केस में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर्स यानी लीप लीपियर्ड्स क्या हो सकते हैं आपके कितने टाइप्स के लीप लीपियर्स होते हैं वीक डेज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ और डेज़ क्या होते हैं है ना इनको दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा डेज भी बोल देते हैं अतिरिक्त दिन भी बोल देते हैं और नॉर्मल uh, ईयर में और uh, आपकी ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, वो सब कैसे फाइंड आउट करेंगे लीप में ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए साथ में उसके सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा क्लियर है दोस्तों तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आपका कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैलेंडर दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन अबाउट कैलेंडर ठीक है तो इसमें सबसे पहले जानकारी लेनी है कि कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा है तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा शक संवत शक संवत कैलेंडर ठीक है दोस्तों तो ये जो शख्स कैलेंडर है ये आपके इंडिया का आ, नेशनल कैलेंडर माना जाता है जिसको इंडिया ने 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया ठीक है तो ये आपको डेट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ये एक तरीके से जीएस का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया नेशनल कैलेंडर कौन सा है तो शख्स बता सकते हैं तो बोल सकते हैं क्वेश्चन में शख्स इंडिया ने कब अपनाया था तो आप बाईस मार्च उन्नीस को बता सकते हैं दूसरा जो केस बन जाता है कि वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल कैलेंडर दोस्तों कौन सा है तो, तो आजकल हम यूज करते हैं वो केस कौन सा आपने एक नाम सुना होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको भी इंडिया ने सेम डेट मतलब 22 मार्च उन्नीस को अपनाया था अडॉप्ट किया था ठीक है दोस्तों तो ये आपका एक छोटी सी बेसिक जानकारी बन जाती है जिनके बारे में पता होना जरूरी रहता है एक्चुअली हम कैलेंडर का चैप्टर पढ़ते थोड़ा अच्छा सा अगर जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं उसमें एक दोस्तों क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट कैलेंडर कौन सा है तो दोस्तों एक नाम याद रखेंगे कि ओल्डेस्ट कैलेंडर नाम आपने सुना होगा जिसको बोला जाता है रोमन कैलेंडर जिसके अंदर साल में तीन चार डेज होते थे इन ईयर यानी वन ईयर मतलब वहां पर जो आपका एक साल होता था आपका तीन सौ चार दिन का होता था इसी रोमन कैलेंडर के बाद में फोर्टी सिक्स बी सी यहां पर प्रेजेंट हुआ था दोस्तों जिसको बोल देते हैं जूलियन कैलेंडर के नाम से इसको जाना गया रोमन कैलेंडर के बाद आपका प्रेजेंट हुआ था जूलियन कैलेंडर जिसको बनाया किसने था दोस्तों एक नाम सुनोगे जूलियस Caesar. इन्होंने बनाया था तो दोस्तों कैलेंडर के लिए इन्होंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे तो इनके अकॉर्डिंग जो थ्योरी मानी जाती है वो थ्योरी में आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या, क्या बोला था जूलियन कैलेंडर में इन्होंने बोला था कि जो वन ईयर वन ईयर होगा तीन दिन का होगा और एवरी फोर्थ ईयर is a leap year. ठीक है इसका कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली लीप ईयर क्या होता है वो सारा फंडा मैं आपको बता दे रहा हूं मैं पहले आपको ये बता रहा हूं इन्होंने ये ही क्यों बोला कि हर चौथी साल को लीप ईयर क्यों बताया था उसका एक रीजन है इन्होंने माना कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी से सारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हुआ था कैलेंडर का तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो इन्होंने माना जूलियस सीजर के अकॉर्डिंग माना गया था कि जो वन ईयर ये हम लोगों को पता ही है कि जो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है ना तो वो आपका तीन सौ पैंसठ दिनों में लगाती है तो इनका जो मानना था कि वो टाइम ड्यूरेशन कितना था तीन सौ पैंसठ तो कंप्लीट डेज थे और प्लस सिक्स आवर्स और होते हैं। तो तीन सौ पैंसठ दिन और घंटे की एक साल मानी थी तो पहली साल मान के चलो आई तो उसमें तीन सौ पैंसठ दिन और छह घंटे आई सेम केस दूसरी साल भी प्रेजेंट हुई इसके अंदर भी तीन दिन प्लस सिक्स आर्स प्रेजेंट हुए तीसरी ईयर में भी सेम कॉन्सेप्ट आया तीन दिन प्लस सिक्स आर्स प्रेजेंट हुए और ऐसे ही चौथी साल के अंदर भी देखा तो तीन दिन प्लस सिक्स आर्स कंप्लीट हुए दोस्तों तो ये वाली जो चेन प्रेजेंट हो रही है छ छे घंटे की इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो आंसर क्या बन जाता है इसमें 24 घंटे बन जाते हैं जिसको क्या माना जाता है दोस्तों आपका डे माना जाता है और ये जो वन डे था ये कहां पर ऐड किया गया था तीन सौ पैंसठ के अंदर तो चौथी जो साल थी वहां पर तीन सौ पैंसठ जो था उसमें एक दिन ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो इससे क्या बन गया दोस्तों तीन सौ छियासठ दिन प्रेजेंट हो गए ठीक है 366 दिन प्रेजेंट हो गए तो तीन वाला जो कॉन्सेप्ट था इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं लीप ईयर आपका यही कॉन्सेप्ट होता था अब दोस्तों दिक्कत क्या ही थी ये कैलकुलेशन तो इस कैलकुलेशन के ब्यापर बोला गया था कि एवरी एवरी फोर्थ ईयर एवरी फोर्थ ईयर इज ईयर बट ये थ्योरी प्रॉपरली सही नहीं थी इसमें कुछ दिक्कत प्रेजेंट हुई और उस दिक्कत को सॉल्व किसने कर दिया उनका नाम था पोप ग्रेगरी। इन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन दिया तो दोस्तों कैलकुलेशन से प्रॉब्लम क्या ही थी यहां से जो प्रॉब्लम निकल के आई थी वो थी कि आपके एक सेप्टेंबर का मंथ था 1752 के अंदर तो इस साल के अंदर सितंबर के महीने में ग्यारह दिन लेस थे। तो वो लेस कैसे हुए थे उसका मैं एक फोटो आपको अभी दिखाऊंगा देखिए दोस्तों सत्रह का ये कैलेंडर आपके सामने प्रेजेंट हुआ है और सितंबर के महीने में देखेंगे तो यहां पर देखो फर्स्ट डेट है सेकंड डेट भी और सेकंड के बाद में सीधा क्या आया था आपका चौदह तारीख आई थी जिसमें दो से लेकर चौदह तारीख तक के बीच के जो ग्यारह दिन थे वो आपके क्या थे कम थी तो ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम कहाँ से प्रेजेंट हुई थी कि इन्होंने जो बोला था कि हर चौथी साल क्या बनेगी आपकी लीपियर बन जाती है तो इस केस में देख लेते इसका सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट हुआ था तो दोस्तों इन्होंने ये बोल दिया था कि कंडीशन क्या थी कि ग्रेगरी ने बोला था कि ये जो आपके जूलियर सीजन ने माना कि तीन दिन और छह घंटे थे बट दोस्तों ये एग्जैक्टली छह घंटे नहीं थे वहां पर कंडीशन क्या थी कि जो एक साल था वो था तीन दिन पांच घंटे 48 एट यानी अड़तालीस मिनट्स एंड 52 टू सेकेंड्स दोस्तों ये जो 52 टू सेकेंड अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा चेंज है कहीं पर आपका 48 दे रखा है कहीं पर 50 दे रखा है कहीं पर 56 दे रखा है तो ये चीज आपकी अप्रोक्सीमेट बट हाँ ये वाली जो कंडीशन है तो जूलियस सीजन ने यहाँ से लेकर ये वाला जो टाइमिंग था इसको लगभग क्या माना था छः घंटे मान लिया जबकि ये तो पाँच घंटे 48 मिनट और बावन सेकंड मतलब उनचास मिनट लगभग बोल सकते हैं तो उन्होंने 11 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर लिए तो 11 मिनट एक्स्ट्रा काउंट करने के चक्कर में यहां पर क्या हुआ था 11 दिनों की कमी पड़ गई थी तो इस दिन की भरपाई करने के लिए पॉप ग्रेगरी ने एक कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने हर सौ साल के अंदर एक लिपियर को कम किया हर सौ साल के अंदर एक लिपियर को कम किया जिससे आपके उन चीजों का मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया ठीक तो है दोस्तों इनके अकॉर्डिंग क्या थ्योरी आई थी इन्होंने एक रूल दिया था ठीक है फॉर नॉर्मल ईयर

It is divisible by four hundred, then only it will be a leap, otherwise, it will be a normal century year. तो ये थ्योरी किसने दी थी तो इस चीज का मैं आपका हाईलाइट कर दे रहा वो आपकी हर चौथी साल आपकी लीपर मानी जाएगी नॉर्मल ईयर में बट सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो अगर वो सेंचुरी ईयर आपकी डिविजिबल होगी किससे 400 से होगी तभी हम उसको लीपर बोलेंगे अदरवाइज ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर के नाम से जान सकते हैं तो यहीं से आपको मैं पूरा फंडा बता देता हूँ दोस्तों ईयर्स क्या होती है इयर्स कितने प्रकार की होती हैं तो वो सब कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूं तो जो ईयर्स होते हैं वो बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं इसमें सबसे पहला जो होता है नॉर्मल ईयर होती है और दूसरी जो होती है इसको क्या बोल बोल देते हैं? हम uh, देते लीप ईयर हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है जो नॉर्मल ईयर्स होती हैं ये ऐसी ईयर्स होती हैं कि जो जो सेंचुरी ईयर ना हो या कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में दो जीरो न हो तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल ईयर ठीक है जब हम जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूं जैसे एग्जांपल बोले तो 1919 सौ 2003 और 2006 कुछ एग्जाम्पल ले लिए अब दोस्तों इनके लास्ट में दो जीरो जीरो प्रेजेंट नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं नॉर्मल ईयर बोल देते हैं अब नॉर्मल ईयर की कंडीशन क्या होती है मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई थी तो नॉर्मल ईयर में बोला गया है कि वो आपकी हर चौथी साल लीपेयर होती है इस वजह से यहां पर हम लोग क्या करेंगे चार से भाग करके देखेंगे यहां पर हम चार से भाग करते हैं अगर चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब तो हम क्या बोल देंगे उसको लीपेयर बोल देंगे और अगर रिमाइंडर जीरो अगर नहीं आता तब उनको क्या बोला जाता है नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष बोल देते हैं तो देखिए इन सभी के अंदर देखेंगे तो आपका यहां पर भी जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा यहां पर भी जीरो नहीं आएगा यहां पर भी नहीं आएगा यहां पर भी नहीं मतलब तो ये जो चारों ईयर जो आपके दिखे हुए हैं ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों आपके नॉर्मल ईयर्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके अगर देखेंगे लीप ईयर क्या होती है तो लीप ईयर क्या होता है कि नॉर्मल लीप ईयर की बात करें तो उसमें कंडीशन क्या होती है कि जैसे बोला गया कि मान लीजिए 2016 या फिर बोला 2024 या बोला मान लीजिए 1600 सो ये कुछ साल होती हैं सॉरी सोलह सो नहीं सोलह सो चार मान लेता हूँ क्योंकि सेंचुरी बन जाएगा वो सोलह सो चार तो देखो इनके अंडर में क्या होता है इनके लास्ट में भी दो जीरो जीरो नहीं है इसलिए इनको भी किस में रखा जाता है आपका नॉर्मल में ही रखते हैं बट कंडीशन ये होती है कि जब यहाँ पर हम चार से डिवाइड करके देख लेते हैं और चार से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब उनको क्या बोलते हैं दोस्तों लीपियर बोल देते हैं तो इसका रिमाइंडर भी जीरो आ रहा है इसका रिमाइंडर भी जीरो आ रहा है और इसका रिमाइंडर भी जीरो आ रहा है ये वाली जो ईयर होती हैं, ये क्या कहलाती हैं दोस्तों इनको क्या बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल बोला जाता है यहां पर नॉर्मल शब्द से मतलब बस इतना ईयर तो तो को पहचानने का कॉन्सेप्ट क्या था अपने डिवाइड किससे करना होगा दोस्तों चार से डिवाइड करना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं दोस्तों सेंचुरी ईयर्स क्या होती हैं आपके उनके बारे में देख लेते हैं तो एक और कैटेगरी बन है जिसमें एक कैटेगरी कौन सी होती है सेंचुरी ईयर और दूसरी जो होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों सेंचुरी लीप ईयर के नाम से जाना जाता है इसके लिए एग्जाम्पल क्या देखो सेंचुरी ईयर की जो पहचान होती है सेंचुरी ईयर की पहचान होती है कि जिनके लास्ट में क्या होना चाहिए दो जीरो जीरो सत्रह सो उन्नीस बाईस सौ कुछ इस तरीके से अब इनके लास्ट में जीरो जीरो है तो सेंचुरी ईयर तो है अब देखिए अगर देखो एक कंडीशन थी आपकी यहां पर कंडीशन बोला गया था ग्रेगरी ने एक थ्योरी दी थी उन्होंने बोला था कि जो नॉर्मल ईयर होती हैं, हो तो यानी है, है। है, आपकी सेंचुरी ईयर की तो उनको चार से ना करके किससे करते हम लोग चार सौ से डिवाइड करके देखते हैं तो दोस्तों इस चीज का अपने को क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जब मैं चार सौ से डिवाइड करके देख लेता हूं एक बार यहां पर भी 400 से और यहां पर भी 400 से तो क्या ये संख्याएं प्रॉपर आपस में कट रही हैं नहीं कट रही हैं इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा इसका भी रिमाइंडर जीरो नहीं है और इसका भी रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ये वाली जो ईयर होती है इनको क्या बोला जाता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर के नाम से इनको जाना जाता है तो ये चीजें क्या बन जाती दोस्तो? है दोस्तों नॉर्मल सेंचुरी ईयर होती हैं अब इसकी बात करें तो यहां पर जैसे बोला गया कि दो हजार चौबीस सौ अट्ठाईस सौ कुछ इस टाइप की ईयर्स होती हैं हैं तो देखो ये भी सेंचुरी ईयर्स हैं इनमें जब 400 से डिवाइड करके देखा गया तो पाया कि सारी संख्या आपस में प्रॉपर कट रही है रिमाइंडर सबका क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो दोस्तों ये वाली जो ईयर्स होते हैं इनको यहां पर क्या बोल देते हैं सेंचुरी लीप ईयर्स बोल देते हैं और ये कौन सी है? होती है सेंचुरी नॉर्मल ईयर्स होती हैं आपकी बात समझ रहे हैं तो दो है कॉन्सेप्ट में, में में जीरो जीरो है तो उनको तो चार से करके देख लेते हैं जिनमें लास्ट में जीरो जीरो आ जाता है, तो उनको हम दोस्तों चार से डिवाइड करके देख लेते हैं अगर डिवाइड हो जाता है प्रॉपर जीरो रिमाइंडर आ जाता है, देन आप उसको लीप ईयर बोल सकते हो अगर जीरो रिमाइंडर नहीं आता तो आप उसको लीप ईयर नहीं बोल पाओगे ठीक है दोस्तों तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए पहला ऑप्शन रखा था कि उन्नीस सौ अड़तालीस दूसरा केस दे रखा था कि मान लीजिए इक्कीस और तीसरा केस दे रखा है मान के चलिए कि चौबीस और चौथा केस दे रखा है मान के चलिए तेईस अब देखो इसमें से अपने को पहचानना है कि कौन सी ईयर नहीं होती है या कौन सी लीप ईयर होती है तो आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो देखो ये आपकी कैसी नॉर्मल ईयर है सेंचुरी ईयर नहीं है तब इसको चार से विभाजित करके देखेंगे तो चार से किया तो बारह चौका अड़तालीस मतलब क्या हुआ ये आपका जीरो हो गया तो लीप ईयर मानी जाएगी इसमें अब देखो सेंचुरी है तो चार से करेंगे ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो आपकी ईयर नहीं है इसमें चौबीस सौ में, में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा तो लीप ईयर है यहाँ पर चार सौ से करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है तो अभी देखें तो उन्नीस सौ अड़तालीस और चौबीस सौ तो इस ऑप्शन के अंदर क्या बजाता बन जाता है करेक्ट आंसर बन जाता है ठीक है ना तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि जिसके लास्ट में जीरो जीरो नहीं है तो उनको चार से करके देखिए और जिसके लास्ट में जीरो जीरो है तब आप उसको चार सौ से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आज के कैलेंडर के जो कौन से हैं ग्रेगरी के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर है तो इसके बाद में दोस्तों हम लोग चलते हैं कि आगे का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है डेज का कॉन्सेप्ट बन जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेज दोस्तों डेज का मतलब क्या होता है जो डेज होते हैं इनके अंदर सबसे पहली कंडीशन आपको पता होगी कि चौबीस तो क्या होते हैं घंटे होते हैं और एक अगर वीक की बात कर देते हैं तो एक वीक जो होता है वो कितना होता है आपका सेवन डेज का होता है और सेवन डेज में कौन कौन से होते हैं संडे होता है देन आपका मंडे होता है फिर आपका ट्यूसडे होता है आपका फिर वेडनेसडे होता है देन आपका थर्सडे होता है देन फ्राइडे होता है और लास्ट आपका सैटरडे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आपके दिन बन जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि जब आपके कैलेंडर बने थे तो उस टाइम पर सबसे पहली तारीख क्या थी सबसे पहला दिन क्या था तो जब कैलेंडर आपके बने थे तो उस टाइम पर सबसे पहली जो तारीख थी तारीख एक महीना कौन सा था दोस्तों जनवरी और साल कौन सी थी आपकी पहली थी तो ये आ क्या बन जाती है कि फर्स्ट डेट ऑफ कैलेंडर इसको प्रॉपरली आप याद रखेंगे आगे चल के इस चीज को अपने को यूज करना है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि जो फर्स्ट डे माना गया था ऑफ कैलेंडर तो वो कौन सा केस था आपका मंडे मतलब वन 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 ये जो सबसे पहली तारीख थी ये वाली इसमें आपका जो दिन था वो कौन सा था आपका दोस्तों मंडे था तो इस बात का प्रॉपरली अपने को क्या करना है ध्यान रखना है एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो चीज अपने को यहां पर प्रॉपरली देख लेनी है ठीक है थोड़ा सा मैं और आगे चल रहा हूं अब कंसेप्ट क्या बन जाता दोस्तों के ऑट डेज क्या होते हैं देखिए ऑट डेज क्या होते हैं डेज Which cannot be converted into weeks. वीक्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास में एट डेज है अब जो एट डेज हो तो उनका तो वीक बनता नहीं है तो इस केस में क्या कर सकते हैं जो भी आपके दिन दे रखे हैं उस दिन में सेवन से डिवाइड कर देते हैं तो सेवन वन ज सेवन और रिमाइंडर कितना बचा वन तो ये जो रिमाइंडर होते हैं आपके इन रिमाइंडर को दोस्तों क्या बोला जाता है ऑड डे दे बोल देते हैं या फिर कई बार इसको लोग एक्स्ट्रा डे भी बोल देते हैं या फिर हिंदी में बोले तो इसको कई बार अतिरिक्त या फिर विषम दिन के नाम से भी इसको जाना जाता है तो ज्यादातर आपका कौन सा मिल जाता है ऑड डे मिल जाता है इस चक्कर में इसको हम लोग ऑड डे के नाम से फेमस कर रहे हैं अब यहां पर कॉन्सेप्ट आया कि जैसे मान लीजिए कि अगर अपने पास में ट्वेंटी डेज होते हैं तो ट्वेंटी डेज में आपके ऑड डे कितने होंगे तो यहां पर सेवन से डिवाइड किया तो सेवन फोर जो ट्वेंटी एट रिमाइंडर क्या बचेगी आपका जीरो सपोज करिए कि अगर किसी महीने के अंदर 28 दिन होते हैं तो उसके अंदर आपका रिमाइंडर कितना होता है आपका जीरो मतलब एक भी जो दिन है आपका वो अः एक्स्ट्रा नहीं होगा ऑट तो डेज नहीं होंगे दूसरे केस में अगर कोई महीना 29 का होता है तो उस केस में देखेंगे तो सात सौ को रिमाइंडर आपका एक मतलब अट्ठाइस के बाद में एक दिन जो बचा हुआ उसको वीक तो बना नहीं सकते इसलिए उस एक दिन को क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग एक ऑड डे बोल सकते हैं दूसरा जो केस है आपका अगर महीना तीस का है मान के चलिए तो तीस वाले केस में सात सौ का हो जाएगा रिमाइंडर बचेगा अपने पास में दो तो जब महीना तीस का होता है तो और डेज कितने होते हैं दोस्तों दो होते हैं और चौथे केस के अंदर अगर इकतीस का महीना होता है और सात से डिवाइड करके देखेंगे तो सात सौ का रिमाइंडर बचेगा तीन दोस्तों ये आपको जो डिवाइड करके मैं दिखा रहा हूँ ये फालतू चीज नहीं है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से एक रिस्कर्स निकल के आता है तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ ठीक है वो जो केस क्या है तो आपने यहां पर देख लिया कि 28, अट्ठाईस इकतीस तो यहीं पर आपका दोस्तों मैं पूरा फंडा बता दे रहा हूं मंथ के जो आपके नंबर्स होते हैं उनके में तो देखिए महीने में आपके क्या होते हैं दोस्तों आपके तीस दिन, दिन भी होते हैं और इकतीस भी होते हैं तो इसके अंदर आपके जो ऑड डेज निकल के आई वो कितने निकल के आए जीरो इसमें निकल के आया वन इसमें निकल के आया टू और यहां पर आपके क्या है तीन तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कौन सा दिन महीने में फाइव टाइम्स प्रेजेंट हो जाता है देखिए चार तो कंप्लीट वीक्स होते हैं उसके बाद में कुछ दिन आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं तो उन एक्स्ट्रा दिन कितने हैं तो उसी के ब्यापा पता चल जाए वीक के अंदर पाँच दिन कौन कौन से आते हैं दैट मीन्स देखिए अगर 28 का महीना होगा तो उस केस में 28 पूरे पूरे वीक बन गए तो हर दिन आपका चार बार प्रेजेंट हुआ है पाँच कोई दिन प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या है को नो एनी डे कम्स फाइव टाइम्स दूसरा केस है कि अगर आपका रिमाइंडर वन बच के आ रहा है तो सपोज करिए जैसे आपका जो होता है कि वन तारीख को क्या था मान के चलिए कि मंडे है अब दिनों के कॉन्सेप्ट में एक कंडीशन प्रेजेंट हो जाती है मैं आपको बता दे रहा हूं अलग से जैसे मान के चलिए जैसे एक सर्कल बना लिया तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए जैसे मान के चलिए ये आ, आपका एक दो तीन ये चार ये पाँच ये और ये सात यहाँ पर देखिए मैंने मंडे इसको रखा है तो मंडे को मैं वन नंबर दे सकता हूँ चूँकि हमने देखा था पहला दिन वीक का मंडे है और दूसरा दिन मैंने क्या दे दिया आपका ट्यूजडे ठीक है तीसरा दे दिया मैंने वेनेसडे ये आपका थर्ड डे बन गया फोर्थ डे बन जाएगा अपना थर्सडे और फिफ्थ डे बन जाएगा तो इसमें आपका फ्राइडे और सिक्स नंबर कौन सा बन जाता है आपका सैटरडे और आपका लास्ट में जो सेवन्थ नंबर है वो कौन सा बन जाता है अब इसको सेवन बोल दो या फिर जीरो बोल दो तो जीरो क्यों बोलते हो अगर सेवन डे की बात होगी तो सेवन वन जा सेवन रिमाइंडर क्या आएगा जीरो तो जीरो बोल दो या सेवन बोल दो बात आपकी एक ही है तो ये चीज़ कौन सी बन जाती है दोस्तों आपका संडे बन जाता है तो इस कहानी से एक रूल निकल के आ रहा है कि सपोज करिए कि आज क्या अपने पास में मंडे है तो सात दिन के बाद में क्या होगा तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः और सात खुद को रिपीट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ है एक रूल निकल के आएगा और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है उस चीज को प्रॉपरली ध्यान रखेंगे रूल ये है वेन वी एड और सब्ट्रैक्ट सेवन देन वी विल गेट द सेम डे ऑफ वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन चीजों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा क्लियर है दोस्तों तो देख लेते हैं अब देखो तो यहां पर क्या हुआ था कि अब वन वन का देखो तो आप देखो वन का जो केस है वो आपका पांच बार कैसा है का? तो एक तारीख को मंडे है तो वन प्लस सेवन यानी एट को भी क्या रहेगा मंडे रहेगा एट प्लस सेवन मतलब फिफ्टीन को भी मंडे रहेगा अब फिफ्टीन प्लस सेवन मतलब ट्वेंटी टू यहां पर भी मंडे और 22 टू प्लस सेवन मतलब 29 यानी अगर जो दिन आपका 29 का होगा ना महीना 29 का होगा उसमें एक तारीख को आठ तारीख को पंद्रह बाईस और 29 तारीख देखो एक दो तीन चार पाँच दिन यानी जो दिन आपका एक तारीख को होगा वो आपके पांच बार रिपीट हो जाता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो डेट फर्स्ट वाला दिन है वो आपका आएगा फाइव टाइम्स प्रजेंट हो जाता है ये आपका फाइव टाइम्स प्रेजेंट हो जाता है ऐसे यहाँ पर क्या हुआ दो तो एक तारीख को और दो तारीख को तो जो डेट फर्स्ट को एंड सेकेंड को जो दिन होंगे वो आपके यहाँ पर फाइव टाइम्स प्रजेंट हो जाते हैं ऐसे तीन के केस में क्या हुआ कि जो आपके दिन फर्स्ट को सेकेंड को और थर्ड को प्रजेंट होंगे वो दोस्तों आपके पांच बार प्रेजेंट हो जाते हैं तो यहाँ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान के चलिए तीन तारीख को अगर मंडे है दिसंबर के अंदर दिसंबर के महीने में तीन तारीख को मंडे है तो बताइए कितने ट्यूसडे पड़ेंगे या कितने आपके ऐसे पड़ेंगे कोई भी दिन दे, दे देते हैं तो वो चीज़ अपने को आइडेंटिफाई करनी होती है तो लॉजिकली आप पता लगा सकते हो तो बड़ा सिंपल सा केस बन जाता है आप उसको पहचान सकते हैं ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है हमने यहाँ पर सारे दिनों के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं आपका मंथ का केस देख लिया अब दोस्तों देखिए यहां पर जैसे कि हम पता लगा चुके हैं कि आपके आपके जीरो वन, थ्री के अंदर निकल के आते हैं तो एक बार सारे मंथ के जो आपके ऑट डेज पॉसिबल हो सकते हैं उन चीजों को मैं आपको लिख के बता देता हूं और वो आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर बेहद इस्तेमाल होने हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है जो आपके मंथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तो देखिए यहाँ पर अगर दिनों की बात करें तो जनवरी में 31 होते हैं फरवरी के अंदर 28 और 29 दिन होते हैं मार्च के अंदर 31, अप्रैल के अंदर आपके 30 होते हैं 31 मई के अंदर होते हैं जून के अंदर 30 होते हैं जुलाई के अंदर कितने होते हैं दोस्तों 31 होते हैं अगस्त में भी इकतीस होते हैं सितंबर में तीस होते हैं अक्टूबर के अंदर आपके इकतीस होते हैं नवंबर के अंदर तीस होते हैं देन दिसंबर के अंदर क्या होता है इकतीस होता है तो ये तो दिन बन गए तो जैसे कि हम लोग यहाँ ऊपर देख चुके हैं ऊपर अभी अभी हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 28 वाले केस में आपका जीरो उन्तीस में एक तीस में दो और यहाँ पर आपका इस केस में देखेंगे इकतीस में तीन केस आ रहे हैं तो ये जो वन टू थ्री फोर है क्या बेसिकली ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर बता सकते हो ये आपके ऑट डेज होते हैं तो कभी किसी ने पूछ लिया कि बताओ जनवरी के महीने में ऑट डेज कितने होते हैं तो जनवरी में दिन कितने होते हैं इकतीस होते हैं तो इकतीस में से अट्ठाइस पूरे वीक्स बन जाते हैं दिनों के तो उस केस में सॉरी चार वीक्स बन जाते हैं अट्ठाइस दिनों के तो उस केस में एक्स्ट्रा डे कितने बच गए तीन अगर फरवरी 28 की तो तो जीरो बनेंगे और 29 की है तो आपका एक दिन बन जाता है 31 के केस में आपके यहाँ पर फिर से तीन यहाँ पर अप्रैल में दो मई के अंदर तीन जून के अंदर दो जुलाई के अंदर तीन और 31 के अंदर या अगस्त में भी तीन सितंबर में दो अक्टूबर में तीन नवंबर के अंदर आपके दो एंड दिसंबर के अंदर, के अंदर क्या हो जाएगा अपना तीन बन जाते हैं तो दोस्तों ये जो, जो आपके जो नंबर आपके लिखे इनको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है महीनों के और डेज बोले जा रहे हैं तो इन चीजों को दोस्तों आप निकालना सीख लीजिए इनको रटने की कोशिश मत करिए बट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि इनको आप नॉर्मली आप कोई भी सी महीना पूछें तब अपने को बस इतना पता करना है कि अट्ठाईस उन्तीस तीस में से कौन सा इकतीस में से कौन सा मंथ होगा तो उसके ब्यापार अट्ठाइस निकालने के बाद जो बचेंगे आपके दिन वही चीज क्या बन जाती है आपकी ये ऑड डेज बन जाते हैं अच्छा एक कॉन्सेप्ट में और बता देता हूं दोस्तों कि मैग्जिम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं सिक्स हो सकते हैं दोस्तों एक ये वाले पॉइंट को भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे ठीक है तो आगे चल लेते हैं हम लोग किस तरीके से और कॉन्सेप्ट आएगा अब जो पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं वो आपका खासा इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका वो पैटर्न बेसिकली क्या कितने ऑड डेज प्रेजेंट होते हैं अब अपने को ये बताना है और दूसरा केस क्या होता तो है जो वन आपकी लीप ईयर होती है उसमें आपके ऑड डेज कितने होते हैं तो देखिए वन ऑर्डनरी ईयर में दिन कितने होते हैं दोस्तों थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज में फाइनली हमें ऑट डेज निकालने है, इसके लिए हम सेवन से डिवाइड कर देते हैं तो तीन सौ पैंसठ में जब सात से डिवाइड करते हैं तो आपका बावन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर आएगा थ्री सिक्सटी फोर और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका वन मतलब जो वन है यही क्या है आपका ऑड डे तो कोई पूछ लेता है कि तीन सौ पैंसठ दिनों में ऑड डेज कितने होते हैं तो आंसर क्या आपका यहाँ पर वन ठीक है और यहां पर जैसे बोले कि लीप ईयर के अंदर तीन दिन होते हैं तो तीन में जब हम सेवन से डिवाइड करते हैं तो फिफ्टी टाइम्स आएगा और 364 रिमाइंडर बचेगा 2 मतलब ये जो 2 बने हैं ये ये वाला चीज क्या बन गया पर ये आपका ऑड डे निकल गया मतलब 366 दिनों के अंदर ऑड डे की संख्या कितनी होती है दोस्तों दो होती है तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि मतलब जो तीन दिन मतलब वन ऑर्डिनरी ईयर के अंदर वन क्या होते हैं आपके ऑड डे होते हैं इस चीज को आप प्रॉपर वे में याद रखेंगे सेम केस यहां पर है आपका कि 366 दिनों के अंदर मतलब वन लीप ईयर के अंदर क्या होता है दो ऑड डे प्रेजेंट होते हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने का एग्जाम के अंदर या आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके अंदर आपका इन चीजों का इस्तेमाल होना है तो दोस्तों इनका यूज कैसे करते हैं तो इनका जो क्वेश्चन बनेगा कैसे मैं वो क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं जैसे सपोज करिए कि आपसे पूछा गया एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए कि फर्स्ट जनवरी 1919 इसको मंडे बताया गया है रेफरेंस वाले हैं तो बताएंगे आपके वन जनवरी 1920 को क्या होगा अपने को यह बताना है तो हमें यह चेक करना है कि यहां से लेकर और यहां तक के बीच में फरवरी कौन से साल की आएगी तो देखो ये जनवरी चल जन्वर रहा है ना उन्नीस उन्नीस का तो फरवरी तो अभी आएगी ना तो वो फरवरी इसी टाइम में प्रेजेंट होगी इसकी फरवरी तो आनी नहीं है क्योंकि इसकी फरवरी तो आपके इस तारीख के बाद में प्रेजेंट होगी और बाद वाला जो सीन है वो आपके इस चेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होना है तो देखिए इस वाले केस में फरवरी 2019 हज़ार सॉरी उन्नीस की आएगी तो 1919 ये वो आपका चार से डिवाइड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा दैट मीन्स 1919 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है जब लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर जो फरवरी प्रेजेंट होगी वो आपकी 28 की होगी और जिस साल के अंदर फरवरी 28 की होती है वो साल कितने की होती है तीन

1919 उस दिन क्या आएगा दोस्तों मंडे आएगा तो देख रहे हो ये वाला जो दिन है ये आपका साल का सबसे पहली तारीख है और ये वाले जो तारीख आ रही है ये वाली तारीख उस 1919 साल की सबसे अंतिम तारीख है तो पहली तारीख का और अंतिम तारीख का दिन दोनों में क्या देखो मंडे मतलब एक और रूल प्रेजेंट हो गया रूल ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं सेम यह भी चीज अपने को क्या करनी है ध्यान रखनी है कि पहला दिन और आखिरी दिन जो है वो आपका क्या होता है आपका सेम होता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डनरी ईयर आर सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूं यहां पर इसके लिए तो यहां पर एग्जाम्पल रहेगा कि सपोज करिए कि आपका एक जनवरी और 1920 को मंडे है अब आपको बताना है कि एक जनवरी और 1921 को कौन सा दिन होगा तो देखेंगे यहां से लेकर यहाँ तक के बीच में जो फरवरी इस बार आ रही है वो तो 1920 की आ रही है यहां पर देखेंगे जनवरी चल रहा है फरवरी आगे आएगी तो 1920 तो आपका लीप ईयर है क्योंकि वो चार से डिवाइड हो जाएगा तो जब लीप ईयर है तो उसकी फरवरी उनतीस की होती है और जब फरवरी उनतीस की होती है तो आपकी साल के दिन कितने होते हैं दोस्तों तीन छियासठ होते हैं तो तीन सौ छियासठ दिन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो तीन सौ छियासठ के अंदर देखा तो आपके टोटल ओल डेज दो होते हैं इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो आपका चेन कितने का आया तीन सौ छियासठ का आया तो यहाँ पर मंडे में क्या करेंगे सीधा प्लस टू कर देंगे इस वाले रूल से हमने निकाल दिया तो मंडे में प्लस टू करेंगे तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या बन जा रहा है आपका वेडनेसडे इज योर करेक्ट आंसर तो यहां पर देखो इसका जस्ट पिछला दिन क्या होगा इकतीस यहां पर दिसंबर और यहां पर क्या रहेगा उन्नीस दैट इज ट्यूजडे तो ये साल का पहला दिन है आपका 1920 का और ये आपका क्या था अंतिम दिन था तो फर्स्ट और लास्ट डे के अंदर देख रहे हो एक दिन का डिफरेंस आ रहा है मतलब यहां पर एक रूल और बन जाएगा यहां पर रूल दोस्तों ये बन रहा है कि जो लास्ट डे इज वन डे एक्स्ट्रा From first day in leap year, एक अपने को ये वाली चीज भी प्रॉपरली ध्यान रखनी पड़ेगी क्लियर तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं, ये आपके जैसे बोलते हैं जब बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए तो उस तरीके से आप इन चीजों को प्रॉपरली कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो इसके ब्याप जितना भी आज हमने पढ़ा हुआ है तो उस केस में हम लोग में आप प्रैक्टिस तो दोस्तों जितना भी आज हमने पढ़ा हुआ है जितने भी पॉइंट्स देख के उनके ब्याफर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा है है ना या फिर दोस्तों जितना भी आज हमने पढ़ा हुआ है, उसके ब्याफर में कुछ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको चीजों के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली इन चीजों को क्वेश्चन में अप्लाई करते कैसे हैं तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया है और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन कह रखा है कि इफ डेट थर्ड ऑफ एनी मंथ इज ट्यूजडे इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि थर्ड को, को क्या दे रखा है इन्होंने ट्यूजडे दे रखा है अपने को बताना वॉट डे विल बी ऑन डेट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दैट मंथ मतलब अपने को ये बताना है कि तीन तारीख को अगर आप किसी मंथ में ट्यूजडे बता रहे हो तो उनतीस तारीख को क्या दिन होगा तो यहाँ पर दोस्तों दो तरीके बन सकते हैं पहला तरीका ये बन सकते हैं कि तीन के अंदर सात साथ जोड़ते चले जाएं क्योंकि रूल हमने पढ़ाता है कि सेवन्थ को जोड़ने से आपका सेम डे रिपीट हो जाता है तो तीन में सात जोड़ेंगे तो दस दस को भी ट्यूसडे आएगा दस और सात सत्रह सत्रह को भी ट्यूसडे होगा सत्रह और सात आपका चौबीस चौबीस को भी ट्यूज़डे होगा और चौबीस और सात इकतीस इकतीस को भी क्या होगा ट्यूज़डे तो थर्टी फर्स्ट को क्या होगा ट्यूजडे होगा जबकि हमसे उनतीस पूछा गया तो इकतीस में से अगर दो कम कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा उनतीस बन जाएगा तो अभी हमने देखा तो इकतीस को क्या प्रेजेंट हो रहा आपका ट्यूजडे तो इसमें माइनस टू किया तो कितना आया आपका उनतीस तो ट्यूजडे में भी दो कम कर देंगे तो आंसर क्या बन जाता है दोस्तों संडे प्रेजेंट हो जाता है आप ऐसे भी निकाल सकते हो दूसरा तरीका दोस्तों ये बन सकता है कि एक ही मही एक ही महीने की बात चल रही है एक ही महीने में आपका तीन तारीख उनतीस तारीख है तो हम लोग क्या करते हैं डेट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो 29 में ऐसे तीन कम कर दिया तो दोस्तों कितना बच गया 26 दिन हो गए अब 26 दिन में अगर हम ऑड डेज निकालते हैं तो अपना आंसर आ जाता है तो 26 में देखेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो सात या 21 21 के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 5 ये क्या है आपका रिमाइंडर है और जो क्या बन जाता है आपका ऑड डेज बन जाते हैं तो 5 का मतलब क्या है यहाँ पर जो आपका ट्यूसडे दे रखा है ना इस ट्यूसडे में क्या करेंगे प्लस फाइव कर देंगे और आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है तो ट्यूसडे में अगर प्लस फाइव करेंगे तो दोस्तों आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है आपका संडे आ जाता है तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका संडे बन जाता है तो इस तरीके से आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो सेवन प्लस कर करके कर सकते हो तो आपका इकतीस आया इकतीस में से दो कम करें तो उनतीस बन जाता है ऐसे नहीं करना चाहते तो आप जो डिफरेंस दे आप कर सकते हो इस तरीके से आपका आंसर ऐसे भी निकल सकता है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि अगर सेप्टेंबर से इन अ ईयर ऑन सेवंथ सेप्टेंबर इज संडे दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो आप सेवनथ सेप्टेंबर है इसको इन्होंने क्या दिया हुआ है संडे दिया हुआ है अपने को बताना है कि व्हाट विल बी द डेट सेवन्थ ऑफ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ मतलब सेवन सेप्टेंबर के बाद अक्टूबर तो सेवंथ अक्टूबर को अपने को क्या पड़ेगा वो बताना है तो इसका दोस्तों तरीका होता है कि सात सेप्टेम्बर से लेकर सात अक्टूबर अक्टूबर तक के जो दिन हैं वो पता कर लिए जाए तो सात तारीख को तो हमें पता उसके बाद की बात चलेगी मतलब आठ से पता करेंगे तो दोस्तों इसके लिए करते क्या है कि सेप्टेंबर के बचे हुए दिन पता करने के लिए तो सेप्टेंबर में टोटली कितने होते हैं तीस होते हैं तीस में से सात तो निकल गए तो सात जब निकल गए तो सेप्टेंबर में कितने बचे दोस्तों आपके तेईस दिन बचे कितने बचे दोस्तों तेईस दिन बचे ये आपका सेप्टेंबर के दिन बच गए ठीक है अब अक्टूबर में कितनी है सेवन तो सेवन का टोटल और अक्टूबर के हैं, तो तेईस प्लस सात कितना हो गया तीस हो गया और तीस में देखेंगे तो तीस में जब हम सात से डिवाइड कर देते हैं तो सात चौक अट्ठाईस के बाद में रिमाइंडर आपका दो तो हम क्या करेंगे जो संडे दे रखा है इस संडे के अंदर प्लस टू करेंगे और आंसर पाएंगे कितना आपका ट्यूजडे इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से हमने कौन सा आंसर निकाला हुआ है ये वाला निकाल दिया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हाँ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड सेप्टेंबर ऑफ एनी ईयर इज मंडे यानी यहां पर तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका सेकेंड सेप्टेंबर है वो क्या दे रखा है इन्होंने मंडे दे रखा है

तीस वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पर तीस वाले केस में क्या दो दे रखे मतलब डेट फर्स्ट को और सेकंड को आपके पांच बार प्रेजेंट होना है तो उस केस में आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है इसमें भी देखेंगे तो देखो यहाँ पर तीस का मतलब है एक तारीख को सॉरी एक तारीख को और दो तारीख वाले जो दिन होंगे वो आपके पांच बार रिपीट हो जाएंगे जैसे एक बार समझा दे रहा हूँ जैसे मान के चलिए कि दो तारीख को क्या दे रखा है आपका मंडे दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि एक तारीख को क्या होगा आपका संडे होगा है ना तो अब इसका करके थे, दो प्लस सात मतलब नौ को भी मंडे आना है सात सॉरी नौ प्लस सात मतलब सोलह को भी मंडे होगा और सोलह प्लस सात मतलब तेईस को भी मंडे आएगा और तेईस प्लस सात मतलब तीस इसको भी क्या होगा मंडे तो ये को मंडे आपके पांच बार प्रेजेंट हो गए कि नहीं हो गए अब देखो एक तारीख है वो भी तो सितंबर की है तो इसमें अगर देखेंगे एक और सात जोड़ देंगे तो आठ को भी संडे होगा आठ और सात पंद्रह को भी संडे होगा पंद्रह सात बाईस को भी संडे होगा और बाईस और सात आपका उनतीस को भी संडे होगा मतलब अगर सितंबर मंथ की बात करते हैं तो एक तारीख वाले दिन और दो तारीख वाले दिन मतलब संडे और मंडे तो आपका संडे भी आपका पांच बार प्रेजेंट हो जाएगा और जो मंडे है वो भी आपका पांच बार प्रेजेंट हो जाता है तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं पहला संडे ठीक है ये पांच बार प्रेजेंट होगा मंडे भी पांचवा प्रेजेंट होगा यहां पर संडे एंड मंडे बोथ हाँ तो आंसर दोस्तों क्या बनेगा ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा और ये गलत क्यों हो जाएगा संडे और मंडे का मतलब क्या होता संडे होगा या फिर मंडे होगा ऐसा नहीं है संडे भी पांच बार होगा और मंडे भी पांच बार होगा दैट मीन संडे एंड मंडे बोथ इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर है दोस्तों तो इस तरीके से हम चीजों को आसान तरीके से निकाल सकते हैं बट ये आप तभी कर सकते हो जब चीजों को जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको पता रहेंगे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंडे दे रखा है कि रखा है? रखा है. अपने को बताना है कि मतलब अब एक बात बताओ यहां पर इतना दे दिया कि दो तारीख को क्या है आपका मंडे है कौन से महीने का मंडे है महीना तो बताया नहीं है हो सकता है कि अट्ठाईस का महीना हो हो सकता है उनतीस तीस इकतीस का महीना हो तो जब हमें मंथ का पता ही नहीं है दैट मीनस हम कुछ बता नहीं सकते और आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों सी डी इज योर आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपका कि if today is, today is Thursday, यानि कि इफ टुडे टुडे इज इज थर्सडे यानी आपको दे रखा है कंडीशन कि जो टुडे है वो आपका थर्सडे दे रखा है आपको बताना आफ्टर सिक्सटी फाइव डेज तो आपको बोला गया है कि आफ्टर सिक्सटी फाइव डेज क्या पड़ेगा तो देखिए आफ्टर बिफोर का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे अगर आफ्टर की बात होती है तब हम यहां पर क्या कर देते हैं प्लस करेंगे और अगर बिफोर की बात होती है तो आप यहां पर माइनस कर देते तो इस क्वेश्चन का केस कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग देखिए तो जो पैंसठ रखे हैं ना तो पैंसठ में हम लोग सात से डिवाइड करेंगे सेवन नाइनजर सिक्सटी थ्री और रिमाइंडर क्या बचा पास में दो तो यहां पर सीधा थर्सडे में प्लस टू कर दीजिए थर्सडे में अगर प्लस टू करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या बन जाता है आपका सैटरडे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों सैटरडे जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका इफ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे ऑफ वीक वाज बिफोर 129 बिफोर 129 डेज यानी यहां पर इन्होंने इस बार बोला हुआ है कि टुडे टुडे uh, क्या दे रखा है आपका यहां पर फ्राइडे दे रखा है टुडे इज फ्राइडे अब 129 दिन पहले मतलब पीछे की बात चल रही है तो बिफोर बिफोर 129 डेज क्लियर है तो देखो हम आगे जाते हैं तो देखो नीचे गए थे मतलब प्लस कर रहे हैं ऊपर करेंगे तो माइनस करेंगे 129 का केस है तो 129 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 780 करेंगे हम लोग तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर uh, 126 बन जाएगा तो इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है तो दोस्तों इसमें से क्या करेंगे हम माइनस 3 कर देंगे तो माइनस तीन जब करेंगे तो फ्राइडे में से माइनस तीन किया तो इसमें एक कम किया तो क्या जाता अपना थर्सडे थर्सडे में एक और कम किया तो क्या जाता अपना बेनसडे और एक और कम किया देन आंसर क्या बन जाता आपका ट्यूसडे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता आपका आ जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि किस तरीके से करते हैं तो, तो माइनस कर दो या फिर हम प्लस चार भी कर सकते हैं माइनस तीन कर दो या फिर प्लस चार कर दे। इसके लिए एक चीज में और बताने वाला हूं तो वो भी आप ध्यान से देखिए तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर आपका फ्राइडे इस क्वेश्चन में आपका भी फ्राइडे दे रखा था तो फ्राइडे में माइनस तीन कर रहे हैं तो माइनस तीन करेंगे तो देखिए एक फिर दो ये तीन तो भी ट्यूसडे आ रहा है और प्लस फोर करेंगे तो एक दो तीन और चार तो क्या रहा अपना तो भी ट्यूसडे तो एक चीज याद रखेंगे यहां पर कि जब भी आपको आफ्टर की कंडीशन दे रखी है तो हमेशा क्या करते हैं चीजों को प्लस कर देते हैं और जब आपका जो बिफोर दे रखा है तो और डेज को क्या करते हैं हमेशा माइनस करते हैं सपोज करिए अगर अपने को प्लस थ्री करना है तो प्लस थ्री कर दो या फिर यहां पर इसका उल्टा तो देखो इसमें आप कितना जोड़ोगे कि सेवन बन जाए तो आपका फोर जोड़ेंगे तो सेवन बट ये सिंबल प्लस है तो इधर क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो प्लस थ्री कर दो या माइनस फोर कर दो बात आपकी एक ही है ऐसे इस वाले केस मान के चलिए अपने को माइनस तीन करने थे तो माइनस तीन करने तो तीन के आ, कितना जोड़ेंगे तो सात बन जाएगा चार जोड़ने पर सात बनेगा बट सिंबल यहां पर, पर माइनस है तो यहां पर प्लस कर देंगे इसका मतलब क्या है कि माइनस तीन कर दो या फिर प्लस चार कर दो चीज आपकी एक ही निकल के आती है तो इन चीजों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है एक्चुअली ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी भी रिमाइंडर हो सकता है आपका मान लो माइनस आ जाता यहां पर माइनस तो माइनस करने की बजाय माइनस के फाइव करने की बजाय हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं प्लस टू कर सकते हैं मतलब देखो इन नंबर्स का टोटल तो सेवन आ रहा है तो, तो उम्मीद करता होंगे के के, और ये जो दो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके जो आंसर्स आएंगे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ठीक है और उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखेंगे आप लोग जिससे चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ठीक है दोस्तों तो आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को शेयर करिए वीडियोस को कमेंट करिए लाइक करिए ठीक है और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए ठीक है दोस्तों थैंक यू ऑल द बेस्ट